हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है कि पहले हमको जाना है स्कूल फायर वाल चेक कराने और उसके बाद आरटीओ लाइसेंस लेने अपना। तो अभी तो काफी देर हो चुकी है, अपने साथ हो चुके हैं चंदू भाई, मैं उसको अड्डा से वापस लाया घुमाने के लिए, अपना घर दिखाने के लिए, वो लास्ट व्लॉग में देख रहा है वैसे दिखा ले। तो फटाफट चलते हैं स्कूल को। तो हम लोग तो पहुंच चुके हैं अभी होड़कन्ना धारे से जस्ट पीछे। तो वो देखो सामने हेलीकॉप्टर जा रहा दोस्तों ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी। मैं बता भी रहा था पहले भी कि जो इंडियन आर्मी हमारा यहाँ पूरा क्या बोलते हैं उसको, पूरा ग्रुप यूनिट जो बैठती है वो भी सारा पानी इसीलिए जाते हैं, पूरे बर्तन वर्तन। तो मैं भी एक बोतल लेके आया हूँ साथ में, पानी ले जाते हैं क्योंकि पानी पियेंगे। और मैं तो जाऊँगा नहीं नीचे, चंदन को भेजते हैं, पानी भर के आएगा। तो देख सकते हैं ये आर्मी की गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, इंडियन डिफेंस। तो निकालते हैं पानी की बोतल और चंदन को दे देते हैं, ले भर के आया यार भाई जल्दी जा। तो ये पानी भर लाता है और उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग फटाफट स्कूल को, अपनी फाइल वाइल चेक कराते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या करना है। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है? देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कितने सारे बर्तन लगे पड़े हैं और गाड़ियाँ भी ऊपर, मेन रोड है तो गाड़ियाँ भी नॉन स्टॉप चलती रहती हैं। और अपना भाई भी एकदम टसन से ये तो चलते हैं फिर। अब ये रही अपनी मस्त कल को धोई थी यार, चमका ये गाड़ी भी एकदम तगड़ी तरीके से। ये देखो भाई गाड़ी कई मस्त कल चमका रखी है धोके, और भाई भी एकदम चमक क्या रखे है। कुछ कहना चाहोगे? वेलकम, आपका आशीर्वाद है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करें। तो पानी भी भर लिया, अब फटाफट चलते हैं स्कूल को और अब सीधा मिलते हैं स्कूल के पीछे सात वालों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपनी स्कूल के केमिस्ट्री लैब में, और यहाँ पे होगी हमारी कॉपी चेक मस्त से अपने सात वाले पीछे, कुछ अंदर भी हैं लेकिन यहाँ पे हल्ला करना अलाउ नहीं है। तो शांति से करते हैं अपना काम और फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो क्लास में तो अपनी प्रैक्टिकल कॉपी चेक करा के हम पहुँच चुके हैं वापिस, अपने साथ नहीं मैं भंडारी। हेलो हेलो भाई लोगों, इसको आप जानते होंगे बहुत अच्छे से सिंगर है भाई, क्या सिंगर है ये, मतलब गाने गाता है पिथौरागढ़ के लिए बहुत तगड़े तगड़े। जोशी जानते हो? बाबा नहीं जानते इसको, कोई नहीं जानते। करण आज लाया अपना कैमरा, तो थोड़ी देर यहाँ करते हैं स्कूल के पीछे फोटो शूट, और उसके बाद 3500 उसके बाद देखते हैं जो भी करना है, आगे मिलते हैं कुछ समय बाद। तो यहाँ पे तो अपने साथ वाले सब लोग मस्त एकदम फोटो शूट कर रहे हैं, करण कर रहा है फोटो शूट, पीछे का व्यू देख सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं कैफे में, इस कैफे का नाम क्या है, एडवेंचर लवर्स पार्क, रोल्स, मोमो, टी, कॉफी, चाउमीन, बर्गर, आइसक्रीम, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो शिवम जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ? आनंद आ गया, और क्या, आनंद आ गया। तो चलते हैं आगे, दीपक और मैं तो आ गए हैं, बाकी शिवम, चंदन वो सब पीछे हैं। देख सकते हैं पीछे लगा है बुल, ट्रेम्पोलिन, काफी मस्त कैफे है, आए कभी। और पीछे यहाँ पे कहीं ये पूल भी लगा है, इस पूल का सिस्टम क्या है मेरे को भी नहीं पता अच्छे से। देख सकते हैं यहाँ पे काफी मस्त, मैं सामने से दिखाता हूँ आपको तीनों चीजें, आखिर है क्या ये। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूल टाइप का बनाया है, पानी इसमें, और इसके अंदर है बड़ा सा एक सिलेंड्रिकल शेप का वाटर का बॉल हम बोल सकते हैं, मस्त। और बट हमारे पास पैसा नहीं है ना इसमें, पैसा है लेकिन हम जाना नहीं चाह रहे हैं यार भाई। और कमांडो नेट भी है यहाँ पे जिसका रेट 10 रुपीज है, और इसका रेट क्या है, इसका रेट इसका 50 रुपए है इसमें जाने का। और यहाँ पे को पड़ा है बुल, बुल ने अभी पीठ दिखाई हमको, बुल नाराज है। और इस बुल को क्या बोलते हैं ये ये भंडारी बताएगा इस बुल को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं सांड, पहाड़ी बैल, पहाड़ी बैल। अभी तो इसमें हम जाएंगे नहीं, और यहाँ पे ट्रेम्पोलिन जोशी के सामने, और पीछे तरफ लगी है आपकी मस्त क्वाड बाइक जिसका रेट है 100 रुपए, 100 रुपए में इसका एक राउंड मिलता है, वो भी यहाँ से वो उधर लास्ट रोड तक। तो यहाँ का कैफे है थोड़ी देर, पिथौरागढ़ एडवेंचर पार्क देख सकते हैं भाई लोग, काफी मस्त लगा रखा है, और बैक में व्यू भी काफी औसम है। क्या क्या इस जगह का नाम, जाखनी, तुम बोलोगे तोला, भावा भी आ गया अपने साथ कैसा लग रहा है? काफी सुकून सा महसूस हो रहा है, अब तो होगा ही होगा। तो रुकते हैं थोड़ी देर, मिलते हैं कुछ समय बाद। क्यों तो यहाँ पे घूमते घूमते हमको मिले हमको एक बड़े भाई, ये भी ब्लॉगर हैं, द लोकल बॉय पिथौरागढ़, दोनों सब्सक्राइब कर रहे हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जब ये वीडियो अपलोड होगा बाद में। तो थोड़ी देर घूमते हैं यहाँ पे मस्त, खलजन को यार थोड़ा दोबारे बोले अच्छा लग रहा है। तो समझा देना, तो यहाँ दादा भी आ चुके हैं, हेलो ठीक हो? तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देते हैं, यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप का वो बैल वो है क्या, बैलून ही बोलेंगे इसको एक हिसाब से, तो उसमें अभी हवा भर रहे हैं, और उसके बाद इसमें कैसे क्या सिस्टम है वो चीज़ आपको दिखाएंगे
ये भाई लोग जाएंगे उसमें, हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्योंकि हम नवाब हैं। तो देखते हैं थोड़ी देर और फिर आगे देखते हैं क्या करना है, दिखाते हैं आपको मस्त। इसके अंदर ये लोग घुसेंगे और खेलेंगे, कुत्ता बना के मारूंगा। बेस्ट ऑफ लक भैया। तो देख सकते हैं पहले वो घुस रहे हैं अंदर और पहुंच चुके हैं वो घर उसके अंदर। भाई कैसा फील हो रहा है, मजा आ रहा है, नीचे भी जाना। तो देख सकते हैं, सामने जाके दिखाता हूँ मैं। तो ब्लॉगर भैया अंदर पहुंच गए हैं और अभी उनके साथ वाले जा रहे हैं अंदर। बस ये भी फाइनली अंदर ही घुस चुके हैं और ये लोग अब मस्त यहाँ पे इसके अंदर करेंगे अपना एंजॉय। इनको फेंक दिया गया है अंदर, तो काफी एंजॉय, थोड़ी देर इनको एंजॉय करने देते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है खुद को आप। तो देख सकते हो अपने साथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं पाल जी, पहुंच चुके हैं। हेलो पाल जी, ब्लॉगर ब्लॉगर इधर, अभी ब्लॉग बन रहा है। अच्छा हाँ, तो आप आशीष संतुलिया का चैनल सब्सक्राइब करें। और अंदर भाई लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, देखो उल्टे उल्टे काफी मजे आ रहे हैं मतलब इन लोगों को। और जब ये बाहर निकलेंगे तब इनके अलग डाउन होने वाली क्योंकि इसमें चक्कर आ रहे होंगे डन। देखते हैं पता नहीं, तो इसको अभी थोड़ी देर बाद दिखाते आगे। तो इनकी मस्ती के साथ आगे हमारे मस्ताने हंसते मुस्कुराते स्कूल के प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात हो गई, नाराज हैं क्या हमसे? तो ये देख रहे हैं और इनको पड़ गई है पीछे से एक शॉट, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारे स्कूल के प्रधानमंत्री हैं जैसे, और स्कूल में हेड बॉय होता है, हमारे स्कूल में प्रधानमंत्री होते हैं। पीछे आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस स्कूल भी दिख रहा है यहाँ पर से। तो रुकते भाई गजब पलटे यार। तो यहाँ पे मिल चुके हैं अपने सारे दोस्त लोग साथ वाले और कैफे को कर दिया बाय बाय। तो अब चलते हैं आरटीओ ऑफिस और फिर बैठेंगे थोड़ी देर मार्केट में घूमेंगे। देख सकते हो, ओए हेलो हेलो, किस चीज ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब मार देना चैनल क्यों। तो ये हैं अपने सब साथ वाले क्लास वाले, मतलब सब तो नहीं है अभी, बहुत आने बाकी हैं। तो एक फोटो वोटो खिंचा लेते हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स वाली बात। तो उसके बाद प्रधानमंत्री कहा है ये प्रधानमंत्री, तो मिलते हैं कुछ। तो हमने अपने दोस्तों को बाय बाय बोल के चंदन और मैं पहुंच चुके हैं आरटीओ ऑफिस पिथौरागढ़ लाइसेंस लेने के लिए। तो हम यहाँ पे लाइसेंस देखते हैं कितने देर रुकना पड़ेगा, तो लाइसेंस लेते हैं और उसके बाद चलते हैं मार्केट को और मिलते हैं सीधा मार्केट में ही यहाँ रस्ते में। यार दोस्तों टोटल मिला के आज मतलब मैं छठे दिन आया था आरटीओ ऑफिस अपना लाइसेंस लेने, लेकिन आज ही मेरा काम नहीं हो पाया। और चंदन को भी आज, चंदन भी दूसरे दिन आ रहा है मेरे साथ, इतने दिनों से राउंड काट रहा हूँ यार, आज भी नहीं मिल पाया लाइसेंस। अब बोला है कि 12 तारीख को आओ, अब इंतजार तो करना ही पड़ेगा यार, अपने काम के लिए काफी नाचना पड़ता है। क्यों काफी बुरा लग रहा है यार, इतने दिन आ गया हूँ लेकिन एक लाइसेंस नहीं मिलते रहे, बहुत नाच गया हूँ यार, अब क्या करें। अब चलते हैं ऊपर मार्केट में बैठते हैं थोड़ी देर देव सिंह फील्ड के ऊपर और अब सीधा वहीं मिलते हैं क्योंकि माउंट में लाना भूल गया, माउंट का ध्यान रखना, फिर माउंट ले जाऊंगा करके। तो अब चलते हैं ऊपर और सीधे मिलते हैं ऊपर। तो चंदू दादा बाय बाय। बाय बाय। तो दोस्तों यार आने का कुछ ऐसा प्लान तो था नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने सोचा यार एक बार चलो चलते हैं, क्योंकि चंदन के साथ चंदन ने भी बोला चलो चलते हैं। तो हम लोग आ गए एक बार ऊपर वरदानी साइड चंडाक को। सिर्फ यहाँ ये है कि पिथौरागढ़, मतलब यहाँ से पूरा पिथौरागढ़ का व्यू दिखता है मेरे पीछे, देख सकते हैं आप अभी बैक कैमरा खोल के। और यहाँ पे अवर नेशनल फ्लैग, मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज बोल सकते, वो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा इंडिया का, ट्राई कलर ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। तो ऐसा कुछ मन नहीं था आने का, लेकिन हमने कहा चलो यार एक बार आज घुमाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को पिथौरागढ़ का काफी सुंदर व्यू। और दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू, और यहाँ से वड्डा हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ का व्यू भी दिख रहा है, मतलब यहाँ से साफ साफ एकदम क्लियर। तो देखो ये देख सकते हो, मिनी कश्मीर बोलते हैं इसे, खाली नहीं बोलते होंगे दोस्तों। देख सकते हो कितना औसम, कितना शानदार व्यू आ रहा है, लेकिन ये पोल की वजह से थोड़ा बिगड़ जा रहा है। तो अभी वो नीचे पे अभी कुछ भाई लोग हैं उधर पे, तो उनके जाने के बाद इधर पे फिर वहां से दिखाएंगे आगे का व्यू। और झंडा भी देख सकते हैं आप, काफी मस्त लहरा रहा है। और सामने इधर नैनी सैनी एयरपोर्ट, और वड्डा जो मैं बोल रहा हूँ जाम रहते हैं वो इधर है, लास्ट पहाड़ जो दिख रहा है लास्ट एकदम वहां को। और इधर को दिखाएं तो सामने आप देख सकते हैं हिमालय का काफी सुंदर दृश्य। तो रुकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे और फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट को और मार्केट से फिर घर। तो कैसा लग रहा है चंदन यहाँ के, मजा आ रहा है, काफी खुशी हो रही होगी क्यों, पहली बार आ रहा होगा, मैं भी पहली बार आया हूँ। सिर्फ अपने सब्सक्राइबर रुक ले यार, इन लोगों को दिखाने के लिए अपना पिथौरागढ़ देख सकते हैं कितना औसम व्यू है। तो प्लीज यार दोस्तों अगर चैनल में नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं कुछ समय बाद। ये देख सकते हो भाई लोग अपना तिरंगा कितना मस्त तरीके से फहरा रहा है, एकदम मस्त हवा लग रही,
और पीछे पिथौरागढ़ का काफी सुंदर दृश्य देख सकते हैं आप लोग। मतलब यहाँ आके एकदम एक सुकून मिल रहा है यार, कई अच्छा, मतलब एकदम शांत माहौल, मार्केट से कहीं दूर। और नीचे एक टफरी सी भी लगाई है, थोड़ा ढाबा टाइप का, चाय वाय के लिए नमकीन नमकीन। और देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल ये झंडा काफी एकदम मन को शांत कर रहा है यार, कई मजा आ रहा है इसको देख के। तो आप लोग भी आए कभी और लें यहाँ का मजा, चंडाक सबको पता ही होगा पिथौरा, क्योंकि अभी फिलहाल अभी यूट्यूब में नया नया हूँ, तो फिलहाल मेरा चैनल अभी फिलहाल पिथौरागढ़ के देख रहे हैं, तो देख सकते हो चंडाक, आप सबको पता है, जिसको नहीं पता है आओ और मतलब काफी इंजॉय। और फिर इसके बाद आप लोगों को हम ले जाएंगे वो सामने वाले पहाड़ में जो कि हमारे घर से ऊपर पड़ता है। तो चलते हैं नीचे और मिलते हैं आप सीधा मार्केट में दोस्तों, क्योंकि काफी देर भी हो रही है, टाइम से घर भी जाना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं और एक बार नीचे पे दिखा देते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे डिटेल दी होगी इस जगह के बारे में, तो चलते हैं वहाँ पे को, चलो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस जगह पे जहाँ पे हमने बताया था वरदानी माता मंदिर, पढ़ सकते हैं आप लोग जो भी इसके बारे में है। और इसके दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे को है उत्तराखंड टूरिज्म, ये भी देख लो अच्छे से। और इस तरफ पूरा इंग्लिश में, उस तरफ हिंदी में था, और यहाँ पे हिंदी में क्योंकि पीछे तरफ इंग्लिश में था शायद, हाँ पीछे इंग्लिश में था। तो अब चलते हैं घर को और मिलते हैं सीधे मार्केट में। तो दोस्तों चंदन यहाँ बेहोश हो गया था, इसको कहीं भूख लग रही थी, तो इसको यहाँ पे बैठा दिया डाबे में बिरयानी खिलाने के लिए, मतलब चिकन राइस। तो ये मस्त खाता है। नीचे देव सिंह के जस्ट ऊपर हम देख सकते हैं, पीछे देव सिंह का फील्ड है, इसके ऊपर यहाँ पे लगे रहते हैं। तो यहाँ पे का मेरे को सबसे टेस्टी यहीं पे का लगता है, तो मैं यहाँ पे आया, ये बेचारा पेट भर के खा ये खाते हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे पेट्रोल पंप, गाड़ी में लगाते हैं तेल, और उसके बाद चलते हैं घर को। दोनों चम्मच दोनों के लिए। तो नीचे पे मिलते हैं आप। तो खा दिए, मस्त पेट वेट भर गया है। देव सिंह फील्ड क्रॉस करके पहुंच गए हम देव सिंह के दूसरी तरफ। अब चलते हैं स्कूटी के पास। ये रही अपनी स्कूटी, काफी थके आ रहे हम आ चुके हैं, ले पकड़ बनना है। तो अब चलते हैं घर को। लो भाई, तो मिलते हैं सीधा सफर में और उसके बाद सीधा घर में। तो यहाँ से हमारी यात्रा घर की होती है शुरू। तो चलते हैं नीचे, पेट्रोल भी डलवाना है यार। अब सीधे मिलते हैं यहाँ तो पेट्रोल पंप में, यहाँ सीधा रास्ते में ही बस। यार दोस्तों यहाँ पे जाम में फंस गए हैं, तो खड़े खड़े क्या करें, खाली बोर हो रही है, क्या कैसा फील हो रहा है। ऊपर से जाना था कि स्कूल वाले रास्ते, लेकिन हम यहाँ से आ गए तो ट्रैफिक में यार, अब थोड़ी देर वेट तो करना ही पड़ेगा, जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। तो थोड़ी देर रुकते हैं ट्रैफिक में, और पेट्रोल तो यहाँ खत्म था, और फिर चलते हैं आगे को, आगे पेट्रोल पंप से भराएंगे। तो मैं किन्हीं कारण के शूट नहीं कर पाया, तो अब टाइम हो चुका है ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, चैनल में तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।